नागपुर में डोडा नामक मादक पदार्थ के अंतर्राज्यीय तस्कर बबलू मंसूरी और उसके नागपुर के साथी चंदन साखरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे 240 किलोग्राम डोडा नामक मादक पदार्थ का पाउडर, दो वाहन सहित करीब 12,90,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। आपको बता दें कि डोडा अफीम का फूल होता है। शुरुआत में यह फूल हरे रंग का होता है। इसी फूल को बीज से काट कर इसके अंदर के तरल पदार्थ को निकाल कर अफीम का पाउडर तैयार किया जाता है और शेष बचे डोडा फूल को भी सूखा कर उसका मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे डोडा चूरा पाउडर कहा जाता है। इसका उपयोग नशे के लिए होता है। नागपुर शहर में संभवतः पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में डोडा नामक मादक पदार्थ से बना हुआ चूरा पाउडर जब्त किया गया है। इस मामले में कपिल नगर पुलिस ने तस्करों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों के नाम बबलू इकबाल खान मंसूरी, उम्र 28 वर्ष और वहीं 50 वर्षीय चंदन मंगल साखरे शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कपिल नगर के बिरजू चंद उड़के को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर नागपुर के कपिल नगर इलाके में डोडा मादक पदार्थ की खेप लेकर आ रहे हैं। उड़के ने वरिष्ठों को इससे अवगत कराया और 8 मई को दीपक नगर चौक से गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज की ओर जाने वाली सड़क पर सिंह अस्पताल के सामने आरोपी बबलू इकबाल खान मंसूरी और उसके साथी चंदन मंगल साखरे को धर दबोच लिया गया। दोनों आरोपियों से करीबन 4,80,000 रुपए का 240 किलोग्राम डोडा नामक मादक पदार्थ जब्त किया गया है। वहीं 5,00,000 की बोलेरो वाहन क्रमांक MP42G2658 वहीं 3,00,000 रुपए की टाटा S वाहन क्रमांक MH40D5249 वहीं 10,000 रुपए के दो मोबाइल फोन सहित करीबन 12,90,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस दस्ते ने मौके पर पहुंचते ही दोनों ही वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान 7 सफेद बोरियों के अंदर भरा हुआ डोडा पाउडर जब्त किया गया। ये माल दोनों वाहनों के अंदर छिपा कर रखा गया था। डोडा नामक मादक पदार्थ का चूरा किया हुआ पाउडर बोरियों के अंदर भरा हुआ था। इस मामले में कपिल नगर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों पर धारा 8A 15B 29 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। बराबर कपिल नगर पुलिस स्टेशन के डीबी पथकाचे तपास पथक आमचे वरिष्ठ ओपोनी साहब ACP साहब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला एक खबर मिळाली होती की MP मधून जो NDPS मध्ये सबस्टन्स आहे, त्या गुन्ह्यातील जो सबस्टन्स आहे डोडा चुरा, तो येणार आहे म्हणून त्या माहितीद्वारे आम्ही सापळा रचून दीपक नगर रोडवर त्या जाताना एक बोलेरो पिकअप वॅन येणार होती, त्याच्या माहितीनुसार आम्ही सापळा रचला। MP हून येणार आहे जी आम्हाला माहिती खबरीद्वारे माहिती मिळाली होती, तिथून आम्ही सापळा रचून त्यांना हे करण्याचा हे केला प्रयत्न। बऱ्याच वेळानं तिथे थांबलो होतो, नंतर काही वेळानं ती गाडी आली तर ड्रायव्हर पण आला चालवणारा, तो ज्याला सप्लाय करत होता तो पण आला। तर त्याच्यामध्ये त्यानं पांढऱ्या बुरीमध्ये 240 किलोपर्यंत जो NDPS कायद्याअंतर्गत बंदी आणलेला, कायद्याअंतर्गत जो AI गुन्हा होतो त्याच्यामधला तो डोडा चुरा म्हणून एक हे आहे अंमली पदार्थ, प्रतिबंधित अंमली पदार्थ, तो आम्ही पंचासमक्ष जप्त करून पोलीस स्टेशनला तसा गुन्हा दाखल केला आहे, पुढील कारवाई सुरू आहे। सध्या तर आपल्याला जो MP मधून आणणारा होता मध्य प्रदेशमधून बबलू इकबाल खान मंसूरी, जो उपरवाडा आहे, तहसील पिपलोदा आणि रतलामचा त्याचा आहे, तो तर त्या इथून तो दुसऱ्याला महाराष्ट्रामध्ये आपल्याच कपिलनगर हद्दीतला व्यक्ती त्याला देत होता। आता अजून समोर सखोल तपास सुरू आहे की हा माल कोणाचा आहे, कुठून येतो, इथं हे कोणाला सप्लाय करत होते, अजून इतर काही साथीदार आहेत का, याचा तपास आपण अजून सुरू आहे। याच्यामध्ये 12,90,580 रुपयाचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। ही सर्व कारवाई माननीय Zone 5 सर श्री श्रवणदत्त सर, ACP संतोष खांडेकर सर, जरीपटका विभाग व आमचे वपोनी साहेब विजय मालचे सर, मी स्वतः PSROकडे, DB पथकचे सर्व स्टाफ यांनी ही कारवाई केली आणि ती यशस्वी झाली। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।